हेलो दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में नगर निगम भिलाई के महापौर की पहल से महिलाएं अपने हाथों से निर्मित प्रोडक्ट बेचेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अमेजन में बेचेगी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महापौर की पहल से अब महिलाएं होगी हाईटेक, अमेजन पर बेचेगी अपना हाथों से निर्मित प्रोडक्ट। नगर निगम भिलाई के युवा महापौर विधायक देवेंद्र यादव महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। महापौर ने महिलाओं के हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक और जहां मदर्स मार्केट का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं को हाईटेक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब महिलाओं को ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि महिलाएं अब अमेजन और फ्लिपकार्ट में अपना प्रोडक्ट को बेच सके, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ नगर निगम भिलाई में इसका निर्माण किया जा रहा है प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए। तो भिलाई की बात आई है तो भिलाई है दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दुर्ग का निर्माण 1906, मुख्यालय दुर्ग। दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर, प्रदेश में बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो दुर्ग जिला है प्रदेश में साक्षर जिला। दुर्ग में हेमचंद विश्वविद्यालय स्थित है। नागपुरा जैन तीर्थ का 23वें पावर्सनाथ मंदिर स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो अपना दुर्ग जिला है। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना या निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है अपना भिलाई स्टील प्लांट। कौन से सन में किया गया है? तो 1955 में किया गया है। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी कहा जाता है भिलाई को। 1965 ACC सीमेंट, प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र है तो बोराई दुर्ग में स्थित है। CSIDC औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर, नंदनी खुंदनी से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है दुर्ग में। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय, प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशु पालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। मैत्रिक गार्डन रूस भारत की मित्रता का प्रतीक है तो अपना मैत्रिक गार्डन रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है। धर्माजी मोनर्जी फर्टिलाइजेशन कंपनी
कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। वन क्षेत्र प्रतिशत में प्रदेश में सबसे कम है, तो दुर्ग जिले में कम है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उद्यानिकी महाविद्यालय जल्द शुरू होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सीतापुर में शुरू की जाएगी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सीतापुर में स्थापित होगा उद्यानिकी महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा अंबिकापुर में विमान की सेवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा प्रवास के दौरान आज सीतापुर क्षेत्र में भ्रमण पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही सीएम ने दरिमा की हवाई विमानतल का भी निरीक्षण किया। यहाँ से जल्द ही राजधानी रायपुर व देश के अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के काम में तेजी लाने की बात कही है। उन्होंने मैनपाट में बौद्ध सर्किट की शुरुआत करने की घोषणा की और विधायकों की मांग पर सड़कों की स्वीकृति करने की घोषणा की है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये कहाँ की गई है, तो सरगुजा प्रवास अर्थात माननीय भूपेश बघेल जी सरगुजा के दौरे में थे, तो यहाँ पर उद्यानिकी महाविद्यालय की बात की, अंबिकापुर में विमान सेवा की बात की है। तो सरगुजा की बात आई है, तो सरगुजा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरगुजा का निर्माण 1948, सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर। सरगुजा किस नदी के किनारे बसा है, तो सरगुजा रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरगुजा में मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम ढक्कन ट्रेन है। यहाँ पर बक्साइट भंडारण क्षेत्र, मैनपाट, डाटकेसरा, पटरिया, सात पहाड़ी वाला क्षेत्र से बक्साइट प्राप्त किया जाता है। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर। सरगुजा में जनजाति की बात करें, तो सरगुजा में खैरवार, कोहकू, पारधी, कुड़िया, सौता, इन जनजाति निवास करते हैं सरगुजा में। औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर, गिरवरगंज, गंगाई खुर्द, मांड नदी की लंबाई है सरगुजा में, उत्तर प्रदेश में 155 किलोमीटर उद्गम मैनपाट से हुआ है। सरभंजा जलप्रपात महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। रिहन नदी 145 किलोमीटर उद्गम छुरीमतिरंगा की पहाड़ी सोनगंगा की अपवाह तंत्र से हुआ है। सरगुजा में ही सिंचाई परियोजना श्याम गुनगुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। पर्यटन क्षेत्र मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट की ऊंचाई है 1152 मीटर ऊंचा है। यहाँ 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था मैनपाट में। तकतिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल। ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, रामकालीन स्थल सीता बेगरा विश्व में प्राचीनतम नाट्यशाला है, तो सरगुजा में स्थित है। लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल, जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य की दंती अनुसार कालिदास मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क है, तो सरगुजा जिले में स्थित है। महेशपुर पुरातात्विक
स्थल सरगुजा 82/1 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा सरगुजा से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों में से एक है, तो अपना सरगुजा रियासत है। अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया है। 2008 में सरगुजा को संभाग बनाया गया। इन संभाग के अंतर्गत आते हैं, पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा सरगुजा, चौथा बलरामपुर, पांचवा जसपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्लास्टिक सड़क है तो अंबिकापुर में स्थित है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में 2 नए तहसील और 3 उप तहसील बनाए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बलरामपुर जिले में बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 नई तहसील और 3 उप तहसील का सौगात, सीएम भूपेश बघेल ने उद्यानिकी कॉलेज खोलने का ऐलान किया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुँचे। बलरामपुर में उद्यानिकी कॉलेज खोलने व चांदो और रघुनाथ नगर को तहसील बनाने और डौरा कोची और बरियो को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा की है। इस दौरान भूपेश बघेल ने 247 करोड़ 61 लाख रुपए की 95 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उन्होंने कार्यक्रम में 87 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 160 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़क, पुल, पुलिया निर्माण, सिंचाई, शासकीय भवनों के निर्माण, पेयजल और विद्युत सुविधा विस्तार के कार्य शामिल है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो बलरामपुर जिले में 247 करोड़ 61 लाख का सौगात दिया है। यहाँ पर 2 नए तहसील और 3 उप तहसील बनाए जाएंगे। अब बलरामपुर की बात आई है तो बलरामपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बलरामपुर का निर्माण 2012 में बलरामपुर का निर्माण या स्थापना किया गया है। मुख्यालय बलरामपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, सरगुजा से पृथक करके बलरामपुर जिले का गठन किया गया है या निर्माण किया गया है। सीमावर्ती जिले सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर से लगा है तो बलरामपुर। तहसील विकासखंड बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुगंज, वाइट नगर, कुसमी, ये सब तहसील और विकासखंडों की संख्या है। मुख्य चट्टान तो गुड़वाना क्रम यहाँ स्थित है। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र शंकरगढ़, तारा, तातापानी, लसुन पहाड़ से कोयला प्राप्त किया जाता है तो बलरामपुर जिले से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र टाटी झरिया, लसुन पाट, जमीन पाट, यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक भंडारण जारंग पाट से किया जाता है बॉक्साइट का। अभयारण्य सोमेरसेत अभयारण्य 430 वर्ग किलोमीटर, स्थापना या गठन 1978 में किया गया है। जनजाति की बात करें, बलरामपुर में
शावरा, पारधी और कोंकू यहाँ पर निवास करते हैं। पुरातात्विक स्थल है दीपावली, कनहर नदी के तट पर बसा है। गौरलाटा समरीपाट में स्थित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, 1225 मीटर ऊंचा है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तो 1225 मीटर ऊंची है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है अर्थात टच करती है, चिनार चिनाग नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।